लेट्स डू एडिशन वर्ड्स प्रॉब्लम ऑन एडिशन स्टोरी सम अरविन ग्रोस सम फ्लावर्स इन हिज गार्डन। अरविन ने कुछ फ्लावर्स लगाए उसके गार्डन में। 54 फ्लावर्स आर पिंक इन कलर। 54 फ्लावर्स कौन से कलर के लगाए? पिंक। एंड 22 फ्लावर्स आर येलो इन कलर। और 22 कौन से कलर्स के हैं? येलो। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स इन अरविंद गार्डन? अब हमें ये बताना है कि अरविंद के गार्डन में टोटल फ्लावर्स कितने हैं। सो टेंस एंड वंस 54 स्टार्टिंग में सबसे फर्स्ट में हमने लिखा 54। नेक्स्ट क्या था? पिंक येलो फ्लावर्स कितने हैं? 22। एंड एडिशन सो 4 2 6 1 2 3 4 एंड 2 1 2 We get 6, 5 and 2 7. So total number of flowers is 76. Next, Shalu makes a necklace using 38 white beads and 20 pink beads. How many beads are there in the necklace? Shalu ne ek necklace banaya jisme usne 38 beads means moti. 38 व्हाइट कलर के मोती लिए एंड 20 पिंक कलर के। अब टोटल मोती कितने लिए हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे और इसको फिल करेंगे। नेक्स्ट है ए बुक सेलर सेल 72 मैथ्स बुक एंड 58 हिंदी बुक्स इन ए डे। हाउ मैनी बुक्स डज ही सेल इन टोटल? उसने कितनी बुक्स सेल की? तो देखिए यहाँ आएगा 72 एंड 58, सो 2 + 8 यू नो दैट 10, सो 10 की 0, कैरी आया हमारे पास 1, सो 7 and 1 8 एंड 5 काउंट कीजिए, 8 के बाद 9 10 11 12 13, सो राइट हियर 13, वंस में है 0, टेंस में है 3 एंड 100 में 1, सो टोटल बुक्स कितनी होगी? 130। इसी तरह इन ए पॉन्ड देयर आर 89 फ्रॉग्स एंड 27 टर्टल। फाइंड द टोटल ऑफ नंबर ऑफ फ्रॉग्स एंड टर्टल्स। ए फार्मर हैज 54 काउज एंड 28 गोट्स एंड 38 शीप ऑन हिज फार्म। यहाँ पर आपको 3 डिजिट का प्लस दिया है। एट द फर्स्ट हम यहाँ लिखेंगे 54, नेक्स्ट 28 एंड 38। अब आप इन सबको प्लस करेंगे। सो लेट्स कम ऑन नेक्स्ट पेज। फिल इन द ब्लैंक्स। 80 + 15 इज इक्वल। हमें अब यह बताना है कि 18 + 15 किसके इक्वल है। तो हम यहाँ लिख देंगे 15। आपको इस लेट्स डू एडिशन में आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, ग्रुपिंग वाले किए थे, एडिशन वाले किए थे, जीरो वाला, ये सारे 3 डिजिट वाले भी आपको एक्सप्लेन किए थे। सो पेज नंबर 32 पर है मेंटल मैथ। मेंटल मैथ में आपने इस एक्सरसाइज में जो कुछ भी पढ़ा है उसके बारे में यहाँ पर एक शॉर्ट में आपको डिटेल्स दिए जो कि आपको कंप्लीट करनी है। आई होप कि आप बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। सो पेज नंबर 31 and 32 आप बुक में फिल करेंगे और ये मेंटल मैथ में आपके लिए दे रही हूँ, इसे आप ही फिल करेंगे। एक्सप्लेनिंग भी है इस पर कुछ, और जो नहीं है तो आपको मैंने पीछे एक्सप्लेन किया था उस चैप्टर में, तो आप इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स गुड डे।